हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियोनिक व्लॉग्स। आई एम प्रियंका, हियर इज निखिल। सो गाइस, हम जा रहे हैं, हम अभी गाड़ी में हैं और 12 बजने वाले हैं और मेरा भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं जा रही हूँ। अभी हमने ना फ़ोन मिला दिया है उसको और अभी ये छोटा सा प्रैंक होने वाला है। उसको ये मालूम है कि ना घर पे हम लोग घर पे जाने वाले हैं केक कटवाने के लिए, बट हम लोग उसके साथ में अभी एक छोटा सा प्रैंक करने वाले हैं कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। आज क्या तरह बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई सॉरी, আমি আসতে পারলাম না। সকালে আসবে, সকালে আমরা না ভাই সকালে আসবো। কেন বলতো, পহলে তুজে তো পতাই থা না হাম লোগ আনে ওয়ালে থে, তো হাম লোগ নেহি আ পায়েঙ্গে ফির। আরে অনেক বেশি ফিল হচ্ছে ইয়ার আমাকে। আর্লি ইন দা মর্নিং কোশিশ করেঙ্গে। আবি আবি পতা হ্যায় কিয়া হুয়া, আবি ইয়ে হুয়া হ্যায় কি না, मम्मी ने ना दरवाज़ा खोल के रखा हुआ था और मैंने पीछे से ही आवाज़ सुनी, मम्मी बोल रही थी दरवाज़ा बंद कर दे। देखो गाइस, उसको उम्मीद था कि हम 12 बजे शार्प 12 बजे जाएंगे, केक कटवाएंगे, ये सब कुछ सेलिब्रेशन होगा जो एज ऑलवेज होता ही है। ठीक है, क्यों मुझे भूत बना रहे हो, ऊपर ही रखो ना। तो अभी जैसे कि 12:05 हो गए हैं ऑलरेडी, तो अभी उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मम्मी ने भी पीछे से बोला कि दरवाज़ा बंद कर दे। अच्छी लग रही हूँ मैं, डरावनी सी तुम दिखे नहीं। हाँ वो ना केक ऑर्डर किया है, वो स्विगी वाला ना नीचे खड़ा है, तो घर पे केक भेजा है। Happy birthday to you. यार पता है, फ्लैश में ना इसकी आंखें ऐसे चमक रही है जैसे कुत्तों के नहीं चमकती, वैसी चमक रही है। हैप्पी बर्थडे जनार्दन डाली। हैप्पी बर्थडे, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो कैंडल बुझ रही है, चलो 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 चलो। वही तो सरप्राइज, ओटाई तो सरप्राइज। ओ मतलब उम्मीद कोड़े चिलो। Happy birthday to you, happy birthday to you, dear अप्पू। अप्पू हाथी। पहले तो स्कूल में इसको अप्पू हाथी बोलते थे, पता है? कौन पता नहीं बुलाता था। Thank you. Prionic Vlogs. Prionic Vlogs. तो क्या कैसा लगा आज का प्रैंक? Shocking. क्या शॉकिंग? ये सबसे बेस्ट प्रैंक था। आज जब मैंने कॉल किया तो क्या टाइम लग रहा था कि हम घर पर हो। उसके बाद कैसा फील हुआ? उसके बाद और आज है मेरे भाई का बर्थडे और लास्ट लेट नाइट क्लिप आपने देख ही लिया है किस तरीके से हमने उसके साथ में प्रैंक किया एंड देन उसको सरप्राइज दिया। सीरियसली मैं बता रही हूँ, सीरियसली वो बिल्कुल इस चीज़ को मान चुका था कि हम लोग नहीं आने वाले हैं और फिर दरवाज़ा वगैरह लॉक करके वो सैड सॉन्ग वगैरह प्ले करके बैठ गया था, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया है सारा वो फीलिंग। तो गाइज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये हमारा प्रैंक, और कमेंट ज़रूर करना गाइज़। सो गाइज़, आज जो है हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं और हमेशा की तरह मेरी मम्मी प्रिपेयर कर रही हैं ट्रेडिशनल बर्थडे फूड, तो बहुत सारा जिस तरीके से हमेशा वो करती हैं प्रिपरेशन, वो सब करने में वो लगी हुई हैं। और यहाँ पर मैं और निक अभी तैयारी करने वाले हैं, हम अभी बाहर जाने वाले हैं, बेकरी से केक वगैरह शाम के लिए ऑर्डर करेंगे और डेकोरेशन का और बैलून्स वगैरह कुछ हम लोग ये सब ख़रीदने वाले हैं आकर के। थोड़ा सा
डेकोरेशन वगैरह करेंगे। और अभी इस टाइम पे मेरा भाई गया हुआ है बाहर फंक्शन में, तो सही है, ये काफ़ी अच्छा मुझे मौका मिला है डेकोरेशन वगैरह करने को और दोबारा उसको सरप्राइज करने का। तो गाइज बने रहिए आज के इस ब्लॉग में, और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसमें आपको देखने को मिलते हैं फन एंटरटेनमेंट वीडियोज़, व्लॉग्स, चैलेंजेस वीडियोज़ भी। आने वाले टाइम में हम चैलेंजेस वीडियोज़ भी लाएंगे आप लोगों के लिए। तो गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो बने रहिए आज के इस व्लॉग में। हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी मेरे एक फ्रेंड है सुशील, द्वारका सेक्टर 7 में उनका छोटा सा स्टोर है, तो वहाँ पे आज अभी डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे हैं। एंड मैं स्टोर पे अभी मतलब उनके नॉर्मल ओपन शॉप ही है, रोड के साइड में जैसे होता है, लेकिन बहुत जेन्युइन रेट अपने एरिया के हिसाब से बहुत अच्छे रेट में आपको देंगे प्राइस सामान। सारी डिटेल्स मैं अभी बताऊंगी, आगे अभी लेके चलते हैं वहाँ से। एंड हमारी गाड़ी, हमारा घोड़ा, हमारा हाथी जो है, आज हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, वो सब घर पे खड़ी है। टुक 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 जाएंगे, 11 नंबर की गाड़ी से जाएंगे पैदल पैदल, और आम जिंदगी जिएंगे आज हम। मेंटल जिंदगी सेहत के लिए अच्छा होता है वैसे वॉक। सो गाइस हम आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं अपने फ्रेंड की शॉप पे आ रहा था। सो ये मेरे सुशील भाई है, हाय कर दो। हाय। सो मैं मेनली इनके मतलब हमेशा से बहुत सालों से हमारा रिलेशन है, हम लोग बहुत सारे काम साथ में भी करते आ रहे हैं, मेरा जैसे कि इवेंट लाइन भी है, तो साथ में बहुत सारे काम हमने किए। एंड आज मतलब आज प्रियंका के ब्रदर के ओकेशन पे मैं इनसे थोड़ा सा सामान लेने आया हूँ, लेकिन हम लोग के रिलेशन के बावजूद जो बेस्ट प्राइस जो हम लोग पहली बार मिले थे वो इनके, एक तो इनका नेचर है, नेचर बहुत बढ़िया नेचर है इनका, एंड सेकेंड चीज़ आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में हर एक चीज़ पड़ती है, ठीक है। द्वारका सेक्टर 7 की इनकी लोकेशन है, एंड अगर आपको ढूंढना है एग्जैक्टली कि कहाँ पे है कहाँ नहीं, रामपल चौक के नियर बाय है, एंड अपना आसपास में आप देख सकते हो द बेक शॉप है, एंड इधर ज्ञानीज है। सो ये नियर बाय अपना शॉप्स है, डोमिनोज भी इधर ही है। सो आप बता दीजिए थोड़ा सा कि आपके शॉप पे क्या क्या पार्टी और डेकोरेशन का सामान अवेलेबल है। मेरे शॉप पे सारा कुछ है, बर्थडे से थीम रिलेटेड, कोई भी लड़की का थीम रखना चाह रहे हैं, अगर लड़की का थीम है, एनिवर्सरी है, बॉय के सारे थीम मिल जाएगा, बर्थडे मिल जाएगा, कर्सिव लेटर में मिल जाएगा, और बैलून के देखिए जैसे ये पेस्टल बैलून हो गया, मेटालिक हो गया, मीडियम है, सारे कलर के सारे बर्थडे से रिलेटेड सारे मटेरियल अवेलेबल है। हेलियम से हेलियम गैस भी मिल जाएगा, ऐसे केक टॉपर में मिल जाएगा, बहुत सारे केक टॉपर्स हैं यहाँ पे। एंड गाइस सेकंड थिंग एक चीज़ और बता दूँ आपको, ज़्यादा मतलब अगर डेकोरेशन का सामान लेना चाह रहे हो तो ठीक है, एंड अगर आपको सामान नहीं लेना डेकोरेशन करवानी है तो भाई का अपना खुद ही मतलब हम दोनों काम ऐसे ही जुड़ा था हम दोनों का, मेरे को डेकोरेटर चाहिए था एक इवेंट के लिए, प्राइजेज बहुत रीज़नेबल थे तो मैंने इनसे अप्रोच करा, धीरे धीरे हम लोग साथ में काम करते गए, हमारे रिलेशन्स बिल्डअप होते गए। तो आपको डेकोरेशन कराना है, इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, आपका फंक्शन बताओ उसके अकॉर्डिंग भाई आपको व्हाट्सएप पे जो भी थीम्स हैं या कुछ भी है, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, मैरिज फंक्शन, हर एक चीज़ का, बैचलर्स पार्टी, जो चाहिए आपको उस चीज़ की थीम आपको सजेस्ट कर दें, थीम वाइज सारा डेकोरेशन करेंगे। इनका नंबर मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगी। एंड अपना द्वारका सेक्टर 7 है तो ऑलमोस्ट पूरा द्वारका, और सर आपके पास में ये सब भी अवेलेबल है ना, मैजिशियन से लेकर के, वो चीज़ भी थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। मैजिशियन, टैटू गेम, पोट्री वाला, बाउंसी, डीजे, सारा कुछ अवेलेबल। बिल्कुल, मतलब अगर आप कोई इवेंट इनके थ्रू अपने घर में बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कराते हैं तो बच्चों की फुल जो गैदरिंग और उसको जो एंगेज करने के लिए इनके पास हर एक चीज़ है, टैटू आर्टिस्ट वगैरह उनको या फिर गेम्स खिलवाते हैं, इस तरह से बहुत सारे गेम्स रहते हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, एंड रीजनेबल प्राइसेस में है, सो बेस्ट चीज़ है। मेरा गूगल पे अकाउंट है, बर्थडे पार्टी प्लानर रामफल चौक 67 डालेंगे तो सारा कुछ मेरा उसमें फोटो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, ठीक है। बर्थडे पार्टी प्लानर रामफल अगर 67 डालेंगे आप तो इनका डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, थैंक यू।
करो। सो गाइस पार्ट टाइम इन्होंने भी ये काम स्टार्ट कर ही दिया है। अब देख सकते हैं मेरे ऑलराउंडर हस्बैंड को। ओहो, खुद अपने ही रूम में कल सजाने के लिए बलून अपने ही हाथों से फुलाया जा रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं गैस बलून।